आज हम बात करने वाले हैं अजमेर के एक टैटू एक्सपर्ट से जो कई सालों से अजमेर में टैटू बनाने का काम कर रहे हैं, और ख़ास बात यह है कि वो कई सारे सेलिब्रिटीज़ के भी टैटू बना चुके हैं और टीवी सीरियल में भी काम कर चुके हैं। सुनने में आता है कि आपको उन सब में बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स आपको मिले हैं, तो आप ये टैटू के साथ इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूँ पेंटिंग, तो ये तो मेरा बहुत मेरा लगाव बहुत है पेंटिंग में, और मैं यही करना चाहता हूँ, है ना। उसके साथ साथ ऐसे मेरा मन किया, मैं अंडर वाटर स्विमिंग मुझे बहुत पसंद है स्पोर्ट्स में, तो मैं एक दिन स्विमिंग कर रहा था केरला में इंडियन ओशन के अंदर, तो मेरा मन किया कि मैं अंदर जाकर के पेंटिंग बनाता हूँ यार। अंदर की चीज़ें मेरे पास कैमरा, मतलब अंदर जाकर के मेरा मन था कि जो नेचुरल जो चीज़ें हैं मैं उनकी लाइव पेंटिंग बनाऊं, और मुझे अंडर वाटर स्कूबा में जाने का मौका मिला, तो मैंने सोचा मैं अंदर जाकर के पेंटिंग बना के आता हूं। और मैंने वहां गया, मैंने 3-4 hours की ट्रेनिंग ली स्कूबा डाइविंग की। पहले बहुत परेशानियां हुई क्योंकि उसमें वो ऑक्सीजन मास्क पहन के जाना होता है, और 50-50 kilo वज़न आपको अपनी बॉडी पर लगा करके पानी के अंदर डूबना होता है, तो उन्होंने कहा डूब जाओ, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद एग्जॉटिक जो लाइफ थी, एक अलग दुनिया देखने को मिली, मछलियाँ, जेलीफिश, टैटू एक लाइफ स्टोरी होती है। हर कोई जो टैटू बनवाना चाहता है वो अपनी लाइफ से रिलेट करके टैटू बनवाना चाहता है। जैसे मोस्टली डेडिकेटेड लोग हैं अपने मॉम डैड के लिए, वो माँ पा का टैटू बनवाते हैं या हस्बैंड वाइफ का बनाती है, तो एक ऐसा हम परमानेंट जो इंक ले रहे हैं वो ऐसी हो कि वो हमारी लाइफ से रिलेटेड हो। देखिए, अगर ये टैटू की बात की जाए तो ये मैंने गणेश चतुर्थी के दिन बनवाया था, लॉर्ड गणेशा, और मैं गणेश जी को बहुत मानता हूँ, तो मैंने उनका टैटू लिया। जैसे लाइक ये सिग्नेचर फॉन्ट है, ये मेरी वाइफ का नाम है, लोग जनरली नाम लिखवाते हैं, पर ये मैंने उस फॉन्ट में लिखवाया है जो उनका सिग्नेचर फॉन्ट है। रीज़न होगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, वरना क्या होता है लोग शेर चीता बिल्ली बनवा लेते हैं, फिर कहते हैं कि अरे अब इसे मिटवाना है हमें, और टैटू मिटवाना इतना आसान नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, पर टैटू मिटवाना आज भी थोड़ा सा मुश्किल है। टैटू बनाते समय उसका हाइजीन का ध्यान रखें, जहाँ हम टैटू बना रहे हैं वो जगह हाइजीनिक हो, और जो हम नीडल यूज़ कर रहे हैं वो एवरी टाइम फ्रेश यूज़ हम करें, और इंक वगैरह जो होता है वो हम अच्छी क्वालिटी के, अच्छी ब्रांड के हम यूज़ करें, है ना। हम लोग जो यूज़ करते हैं मेड इन यूएसए प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अगर आप प्रोडक्ट अच्छे यूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता ये। एज की अगर हम बात करें टैटू को लेकर के, तो हम लोग 18 को टैटू नहीं बनाते हैं, बिकॉज कई सारी नौकरियां जॉब्स में टैटू अलाउड नहीं है, लाइक आर्मी, डिफेंस, पुलिस, तो हम लोग उनको अवॉइड करते हैं। तो आज अभी के जो वर्तमान लेटेस्ट फैशन में हम देखें तो लोग रिलीजियस को लेकर के बहुत टैटू बनवाते हैं, शिवा बुद्धा टैटू हो गए, गणेशा टैटू हो गए, और मॉम डैड का खास करके जो लोग बनवाने आते हैं मॉम डैड को डेडिकेट करते हैं अपने मॉम डैड को टैटू को लेकर के। बाकी तो सब लोग अपनी लाइफ को रिलेट करके टैटू बनवाना चाहते हैं। दस साल पहले मैंने टैटू का काम स्टार्ट किया, है ना। मेरी स्टडी तो कुछ और ही रही है, मैं कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूँ, पर मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे, और ये कह सकता हूँ कि मैं, मतलब बाय बर्थ मेरे अंदर ये आर्ट फीलिंग उन्हीं की तरफ से है। तो मैं बचपन से पढ़ाई में इतना बढ़िया नहीं था, पर मैं ड्राइंग पेंटिंग में ज़रूर मुझे अवार्ड लगते थे, और टीवी पे एक शो आता था एलिंग करके, तब मैं उसे देखा करता था, मेरा मन करता था कि अरे अरे फॉरेन में ऐसा होता है क्या, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या, है ना। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि नेट पर कई सारी डिटेल्स देखी, और मैं मार्कर पेन से और मेहंदी से टैटू बनाना शुरू किया मैंने। कला की स्किल्स आपके बच्चों में हैं तो उसे ज़रूर उभारिए, और टैटू आर्टिस्ट बनना कोई गलत बात नहीं है, है ना। टैटू आर्टिस्ट बूम इंडस्ट्री है, और पिछले 5 सालों में इंडिया में जो राइज किया है इस इंडस्ट्री ने, आप देखिए बहुत राइज किया है इस इंडस्ट्री ने। मैं
शहर ने मुझे इतना प्यार दिया, आज मैं जो कुछ हूँ अपने शहरवासियों की वजह से हूँ। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि खूब खुश रहें और खूब टैटू बनवाएं मुझसे मेरे पास आकर के।